आप प्रारंभ और कर दीजिए। ये बहुत ही गौरव का विषय है, ये बहुत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि जैसा कि अभी हम बहुत कुछ समय पहले परम श्रद्धे गुरुदेव प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी का वीडियो और उनकी जीवनी दर्शन के बारे में आप देख भी रहे थे, बहुत सा चल भी रहा था। बहुत ही गौरव का अनूठा क्षण है कि अभी हम उनके साथ में जुड़ गए हैं। उनके बहुमान में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। सात समंदर पार भी जो देव भाषा को सींच रहे, निस्दिन जीवन का हर पल जो शब्द यात्रा में पिरो रहे, चाहे राम और माँ जननी का सुंदर चित्रण हो, चाहे थाए की शब्द माधुरी में छंद की रस माधुरी हो, खंड काव्य महाकाव्य और अनूठी लिखी जीवनी संस्कृत में फैली दुनिया में चहु और कीर्ति आपकी, जीवन को हुमा जन सेवा में देववाणी से भरपूर हो, दिया सरकार ने पद्म भूषण जैसा सम्मान हो, ज्ञानपीठ लेने वाले भी संस्कृत में आप ही, चलती फिरती संस्कृत की लाइब्रेरी आप ही, चहु और फैली खुशहाली बस यही उपकार महान करे, करते हैं सहकोटि नमन हम बारम्बार आपको, हे संस्कृत के तारणहार हम सत सत अभिनंदन करते हैं आपको, हे संस्कृत के तारणहार हम सत सत अभिनंदन करते हैं आपको। ये इस धरती का बहुत ही गौरवमय क्षण है कि आज हमारे सामने ऐसे पूरे न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व में अपने वैदुष्य का डंका बजाने वाले, जिन्हें अपने संस्कृत सेवा में अपना पूरे जीवन को लगा दिया, और वहां की राजकुमारी जी चाकरी जी के राजगुरु रहे, और बहुत से विदेशों में प्रोफेसर के रूप में एक कुलपति जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे गणमान्य करते रहे, और ये इस राष्ट्रीय उद्घाटन सत्र के आशीर्वचन के रूप में उद्घाटन के रूप में आप उनके द्वारा आज उनकी किया जा रहा है, उनके मुखारविंद से निश्चित शब्द हम सबके लिए अनमोल वचन बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं कामना करता हूँ और हम उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हैं। आज उनका पदार्पण यही होना था इसी धरती पर, लेकिन कोरोना के कारण से आपका पदार्पण नहीं हो पाया है। हम बहुत जल्दी एक दूसरा आयोजन करेंगे और मुझे लगता है गुरुदेव उस आयोजन में निश्चित रूप से हमारे साथ के होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इन शब्दों के साथ में अब उनका हम आशीर्वचन सुनेंगे। ये बच्चों, ये बहुत ही गौरव का अनूठा पल है कि इस धरती पर आज उनका शब्द माधुरी और उनके शब्द अमृतम सुनने को। जय हिंद, जय भारत, जय तू संस्कृत। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवम् वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ माननीय डॉक्टर शंकरलाल शास्त्री जी, उपस्थित विद्वत वृंद एवं च प्रिय छात्रगण, राजस्थान ग्रामोत्थान एवं संस्कृत अनुसंधान संस्थान शाहपुरा संस्कृत वांग्मय में नारी चेतना विषय पर एक त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर साहित्य मंदाकिनी का विशेषांक भी प्रकाशित किया जा रहा है, ये और भी प्रसन्नता का विषय।
प्राचीन से लेकर अर्वाचीन संस्कृत वांग्मय तक अनेक संस्कृत विदुषियों ने अपनी प्रतिभा से संस्कृत वांग्मय को समृद्ध किया है। वैदिक काल से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ गार्गी जैसी ऋषिकाएं थीं, जो महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे महारथी से लोहा लेने का सामर्थ्य रखती थीं। ये विदुषियां न केवल दर्शन शास्त्र में ही प्रवीण थी, काव्य शास्त्र में भी उनकी अप्रतिहत गति थी। काव्य शास्त्र के अनेक सिद्धांतों के बारे में उनके अपने मत थे। सुप्रसिद्ध काव्य शास्त्री राजशेखर अपनी कृति काव्य मीमांसा में यत्र तत्र अपनी पत्नी अवंति सुंदरी के मत का, जहां वह उनके अपने मत से मेल नहीं खाता था, अवंति सुंदरी त्वाह करके प्रस्तुति करते हैं। मध्य युग में अनेक कवयित्रियों ने अपनी काव्य रचनाओं से संस्कृत वांग्मय को समृद्ध किया। उन्हें अपनी कवित्व शक्ति पर अभिमान था, इतना अभिमान कि वे अपने को सरस्वती ही मानती थी। आचार्य दंडी ने सरस्वती को सर्व शुक्ला कहा। कर्नाटक की विज्जिका नाम की कवयित्री सांवली थी। यदि सरस्वती रूप से सांवली हो सकती हैं, तो सरस्वती सर्वशुक्ला कैसे हुई? उनका कहना है कि दंडी को उनके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सरस्वती को सर्वशुक्ला कह दिया। नीलोत्पल दल श्यामाम विज्जिकाम माम अजानता वृथैव दंडिना प्रोक्तम सर्वशुक्ला सरस्वती। महाकवि कालिदास ने अपनी कृतियों में वैदर्भी रीति अपनाई। इस रीति को अपनाने वाले कवियों में वे मूर्धन्य थे। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास हो विशिष्य थे। उनके बाद वैदर्भी रीति में लेखन में जिसका नाम ऊपर आता है वो कर्नाटक की विजयांक का थी। सरस्वती व कारणाटी विजयांका जयत्यसौ या वैदर्भ गिराम भूमि कालिदासादनंतरम। कर्नाटक के महाराज की प्रिय पत्नी कमल से उत्पन्न होने वाले अर्थात ब्रह्मा द्वीप पुलिन में जन्मे वेद व्यास और बांबी वाल्मीकि वल्मीक से प्रकट हुए वाल्मीकि को तो कवि मानती हैं, उन्हें प्रणाम भी करती हैं, पर उनके बाद के अपने गद्य और पद्य की रचनाओं से चित्त को चमत्कृत करने वालों के बारे में वे कहती हैं कि वे उनके सिर पर बायां पांव धरती। एको भून नलिनाथ ततश्च पुलिनाद वल्मीकतश्चापर ते सर्वे कवयो भवन्ति गुरवः तेभ्यो नमस्कुर्महे। अर्वांचो यदि गद्य पद्य रचनैश्चेतश्चमत्कुर्वते तेषां मूर्ध्नि ददामि वामचरणं कर्णाटराजप्रिया। संस्कृत विदुषियों की शास्त्र निपुणता और कवित्व शक्ति का प्रस्फुटन केवल प्राचीन और मध्यकाल तक ही सीमित नहीं रहा, वह प्राचीन काल से लेकर आज तक भी चला आ रहा। अर्वाचीन काल में भी अनेक विदुषियों और कवयित्रियों ने अपनी कृतियों से संस्कृत वांग्मय को समृद्ध किया। इनमें विशेष उल्लेखनीय है डॉक्टर पुष्पा दीक्षित, जो उच्च कोटि के वैयाकरण भी हैं और कवयित्री भी। डॉक्टर वेद कुमारी घई, जो पुराण वांग्मय की गहन अध्येत्री हैं और अनेक रमणीय कविताओं की रचयित्री भी। सरस कविता लेखन में डॉक्टर नलिनी शुक्ला एवं डॉक्टर योगमाया ने बहुत यश अर्जित किया। डॉक्टर रमा चौधरी ने अनेक उत्कृष्ट नाट्य कृतियों की रचना की है, जिनका कोलकाता के प्राच्यवाणी संस्था के माध्यम से मंचन भी हुआ। अर्वाचीन नाट्य कृतियों की समीक्षिका के रूप में डॉक्टर उषा सत्यव्रत का नाम सर्वोपरि है,
इस दिशा में पहला प्रयास उन्हीं का था। उनका 20वीं शताब्दी के संस्कृत नाटक शीर्षक ग्रंथ अर्वाचीन संस्कृत नाट्य कृतियों की समीक्षा की दिशा में एक मानक ग्रंथ है। अनेकानेक संस्कृत विदुषियों ने अपने शोध द्वारा संस्कृत वाङ्मय के विविध पक्षों को उजागर किया है और कर रही हैं। न केवल मौलिक लेखन और समीक्षा के क्षेत्र में ही संस्कृत लेखिकाओं और विदुषियों का विशेष योगदान रहा है, अनुवाद के क्षेत्र में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। इनमें दो नाम उभर कर आते हैं। एक नाम है डॉक्टर मृदुल कीर्ति का। इन्होंने जितना काम किया है अनुवाद की दिशा में, वो संभवतः बहुत से पुरुषों ने भी नहीं किया होगा। इन्होंने सामवेद का दोहा और चौपाई छंद में, ईश आदि 9 उपनिषदों का हरि गीतिका छंद में, अष्टावक्र गीता का गीतिका छंद में, पातंजल योग दर्शन का चौपाई और दोहा छंद में, शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि का भी इन्हीं छंदों में, हिंदी में एवंच श्रीमद् भगवद गीता का ब्रज भाषा में पद्यानुवाद किया है, जो कि अपने ढंग का पहला अनुवाद है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि डॉक्टर मृदुल कीर्ति किसी संस्था में कार्यरत नहीं है, एक सामान्य गृहिणी का जीवन बिता रही है, और वो भी अपने देश से दूर ऑस्ट्रेलिया में। यह उनका संस्कृत प्रेम ही है जो उन्हें अनुवाद के क्षेत्र में खींच लाया, जिसने संस्कृत से अनभिज्ञ जनता को भी संस्कृत ग्रंथों में निहित ज्ञान राशि को अपनी अपनी भाषा में सुलभ कर दिया है। उन्होंने अनेक शोध ग्रंथों की रचना भी की है। दूसरी उल्लेखनीय संस्कृत विदुषी हैं पद्मश्री डॉक्टर नाहिद आबीदी। इन्होंने सम्राट अकबर के वकील प्रधानमंत्री अब्दुल रहीम खाने खाना के ठेट कौतुकम और गंगाष्टकम का हिंदी में और गालिब की उर्दू कृति चिराग गैर का देवालयस दीप शीर्षक से संस्कृत में पद्यानुवाद किया है। इतना कार्य करने वाली महिलाएं बहुत अभिनंदनीय हैं। एक प्रसंग मुझे अब स्मरण में आ रहा है और वो लीलावती का है। लीलावती भास्कराचार्य जी की सुपुत्री थी, उसका विवाह हुआ, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। वो बहुत ही दुखी रहने लग गई, दिन रात रोती रहती थी, बिलखती रहती थी। भास्कराचार्य जी को इसका पता चला, वो उसके ससुराल गए और ससुराल में से लेकर के अपने यहाँ ले आए। वहां भी वो इसी तरह से दुखी रहा करे। तब उन्होंने सोचा कि इसका मन बहलाने के लिए इसको किसी न किसी शास्त्रीय विधा की ओर लगा देना चाहिए। भास्कराचार्य गणित के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने गणित की ओर से उन्मुख कर दिया, उसका मन लग गया। और धीरे धीरे करके जो है बहुत से जो गणित की समस्याएं थी उनको सुलझाने लगी। बहुत सी थ्योरी मैथमेटिक्स की, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो उनमें उनकी गति हुई। तो भास्कराचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने फिर ये निर्णय किया कि जो उनकी कृति 5 विभिन्न भागों में विभक्त है, एक भाग का नाम उन्होंने कहा मैं अपनी पुत्री का नाम पहले रखूंगा और वो भाग लीलावती कहलाए। तो ये इस प्रकार की हमारी विदुषियां रही हैं भारतवर्ष में। ये वो देश है, रत्न प्रसूर है जी। मुझे आशा है कि संगोष्ठी इन सभी संस्कृत रचनाकर्त्रियों और समीक्षिकाओं के अवदान को रेखांकित करेगी और
आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक हो। संगोष्ठी बहुत सफल हो, ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। इससे हमें विद्वानों के परिश्रम द्वारा संग्रहित सामग्री उपलब्ध होगी, जिससे हमारा ज्ञान वर्धन होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि यह संगोष्ठी बहुत सफल होगी। आप सभी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस बारे में सोचा। संस्कृत वाङ्मय में नारी चेतना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस संगोष्ठी का। मैं इस संगोष्ठी की सफलता के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और आप सबके लिए भी मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत और वैविध्यपूर्ण ब्रह्मसद्य गुरुदेव का व्याख्यान हमने सुना। डिस्कवरी ऑफ संस्कृत ट्रेजर्स जो 7 खंडों में प्रकाशित है, आपकी रचना भवितव्यानाम द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, और बहुत ही कुछ समय पहले टेलीफिल्म भी जो है आप पर बनी पूरे देश में जो जिसे दिखाया गया है, और अभी डीडी भारती द्वारा भी जो है मैंने कुछ लिंक भी भेजे थे बच्चों को, आपने देखे होंगे। तो ये बहुत ही गौरव का क्षण है इस क्षेत्र के लिए, और गुरुदेव से मुखारवी से निश्चित शब्द हम सब के लिए अनमोल वचन बने। बहुत आपका आशीर्वाद हमें मिला, बहुत अच्छा लगा आपका गुरुदेव जो है, बच्चों ने सामने छात्रों ने पूरा वीडियो भी देखे हैं, कुछ आप बहुत पहले से देख रहे जा रहे हैं, लगभग आधे पौन घंटे से जीवनी देखी, बहुत अच्छा लगा है। सबकी इच्छा है कि आप इस धरती पर एक बार पुनः पदार्पण करें, और बहुत अच्छा लगा इन्हीं के शुभकामनाओं के साथ। मेरा स्वयं भी बहुत मन है, मेरा स्वयं मन है आने का, और मैं चाहता हूँ कि ये शीघ्र ये अवसर आए एक बार बच्चे आपको, ये देश कोरोना से मुक्ति मिले, और मैं स्वयं आकर के, क्योंकि मुझे बच्चों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। ये यही तो भारत के भविष्य है, इनसे हमें आशा है, इन्हीं से हमें आशा है। एक बार मंच देख लो। मंच का जो है अपने विद्वजन बैठे हैं जो हमने पहले भेजा है, डॉक्टर फूलचंद जी भिंडा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, डॉक्टर जगन्नाथ जी पांडे साहब बैठे हैं, प्रोफेसर माणिकलाल शास्त्री जी बैठे हैं, और एक कार्यक्रम चल रहा है, सब आपके आशीर्वाद से। इन्हीं के साथ हम प्रणाम करते हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय देकर के हम सबको बहुत हम उत्साहवर्धन किया। प्रणाम। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। प्रणाम। बहुत अच्छा बोले, बहुत ट्वीट कर सकते हैं गुरुदेव। अभी आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डॉक्टर सत्र शास्त्री से संस्कृत के विषय में और नारी के चेतना के बारे में बहुत कुछ सुना है। बच्चों, मैं भी चाहता हूँ